खताओं से दरगुजर फरमा, हमारे आयबों की पर्दा पोशी फरमा। ऐ अल्लाह, हम आपके आजीज और कमजोर बनते हैं, कदम कदम पर आपकी मदद के मोहताज हैं। परवरदिगार आलम, हमारे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके कब्जे कुदरत में है। ऐ अल्लाह, ये बात सच है कि कोई भी मुसीबत आती है तो हमारे गुनाहों की वजह से आती है, और अगर कोई मुसीबत दफा की जाती है, उठाई जाती है, तो तौबा की बुनियाद पर, तौबा की वजह से उठाई जाती है। ऐ अल्लाह, हमें अपने गुनाहों का इकरार है। ऐ अल्लाह, हम इकरारी मुजरिम हैं, अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं। परवरदिगार आलम, तुझसे तो कोई चीज भी छुपी हुई नहीं है, हमारा कोई अमल तेरी नजरों से छुपा हुआ नहीं है। परवरदिगार आलम, दुनिया हमें नेक समझती है। परवरदिगार आलम, हमसे अच्छा गुमान रखती है, ये तेरी सत्तारी है। ऐ अल्लाह, ये तेरी पर्दादारी है। ऐ अल्लाह, अगर हमारे आयकों को तू खोल दे तो लोग हमारी तरफ देखना भी पसंद न करें। परवरदिगार आलम, तू तो सब कुछ जानता है, तू अल्लामुल गुयूब है, सीनों के भेदों को जानता है, दिल के रासों को जानता है। ऐ अल्लाह, तेरे सामने कोई गुनाह हमारा छुपा हुआ नहीं है। ऐ अल्लाह, तुझसे हम अपने गुनाहों का इकरार और एतराफ करते हैं। कौन सा गुनाह है जो हमने नहीं किया, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, जाने अनजाने में। ऐ अल्लाह, तेरी नाफरमानी करते रहे। ऐ अल्लाह, तेरी नाफरमानी करते रहे, तेरा दिया हुआ रिस्क खाते रहे, तेरा दिया हुआ पानी पीते रहे, तेरा दिया हुआ कपड़ा पहनते रहे, तेरी नेमतों को बरतते और इस्तेमाल करते रहे। ऐ अल्लाह, फिर भी तेरी नाफरमानी करते रहे। ऐ अल्लाह, तेरे हुक्मों को तोड़ते रहे, तेरे नबी की सुन्नतों को पामाल करते रहे। ऐ अल्लाह, तेरा दीन मिटता रहा, हमारी पेशानी पर पल नहीं आया, तेरा दिल लुटता रहा, कभी हमें एहसास भी नहीं हुआ। समाज पूरा का पूरा कुछ लोगों को छोड़कर, ऐ अल्लाह, नमाजों को छोड़कर जिंदगी गुजार रहा है, हलाल और हराम की परवाह किए बगैर जिंदगी गुजार रहा है। हमारे बच्चे बेराह हो गए, 24 घंटे मोबाइल पर लगे हुए क्या करते रहते हैं आपको पता है। परवरदिगार आलम, गैरों ने हमारा मुस्तकबिल तबाह बर्बाद करने के लिए, हमारी नस्लों को तबाह बर्बाद करने के लिए ऐसा जाल फैलाया है कि हम सब उस पे फंसे हुए हैं। परवरदिगार आलम, करम फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे दिल आपके कब्जे कुदरत में है, आप जिस तरफ चाहते हैं फेर देते हैं। परवरदिगार आलम, हम आपसे हिदायत की भीख मांगते, आपसे हिदायत का सवाल करते। परवरदिगार आलम, तेरी मदद के बगैर, तेरी ताईद के बगैर किसी नेकी का करना हमारे बस की बात नहीं है, और तेरी मदद के बगैर, ऐ अल्लाह, किसी गुनाह से बचना हमारे इख्तियार में नहीं है। ऐ अल्लाह, करने वाली जात आपकी है। परवरदिगार आलम, आप तो अरहमुर रहीमीन है, आप तो अकरमुल अकरमीन है। ऐ अल्लाह, आप तो करीम है, बे मांगे अता करने वाले हैं, आज तक बेशुमार नेमत बे मांगे अता की है। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, आपने मांगने का हुक्म दिया, कबूल करने का वादा फरमाया है। परवरदिगार आलम, हम भटक गए थे, तेरे राह से दूर हो गए थे, तेरे दर से हट गए थे। हम तो उस बच्चे की तरह है कि जब बच्चा माँ की नाफरमानी करता है और बार बार नाफरमानी करता है, एक वक्त आता है कि माँ तंग आकर के उसे थप्पड़ मार कर घर से निकाल देती है। बच्चा भी सोचता है कि मुझे धुतकार दिया गया, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया गया, अब मैं घर छोड़ करके चला जाता हूँ। घर से हटता है, गली के कोने तक जाता है, माहौल को देखता है और ये सोचता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा घर छोड़कर, मुझे तो वक्त की रोटी तो मिल जाएगी लेकिन माँ नहीं मिलेगी। ये सोच करके वापस घर आता है, घर का दरवाजा बंद पाता है, चौखट पर सर रख करके पड़ा रहता है, सो जाता है। किसी जरूरत से माँ दरवाजा खोलती है, अपने लाल को, अपने
पैमाने मिलेगी। मैं ये सोचकर वापस आ गया। परवरदिगार आलम हम भी उसी बच्चे की तरह है, न जाने नफ्स और शैतान के बहकावे में आकर हम भी चले गए थे। ऐ अल्लाह, तूने तुतकारा तो नहीं था, तूने हमारे लिए दरवाजे तो बंद नहीं किए। तौबा का दरवाजा आज भी खुला रखा है। ऐ अल्लाह, इतना बुरा मजमा तेरे दर पर आया है, इस एहसास के साथ आया है कि तेरे सिवा हमारा कोई भी नहीं है, तेरे दर के सिवा कोई दर नहीं है, कोई कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके और इस मुसीबत से हमें निकाल सके। परवरदिगार आलम आप ही इस मुसीबत से हमें निकाल सकते हैं। परवरदिगार आलम इन उठे हुए फैले हुए हाथों की लाज रख ले। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई भी इस मुसीबत को दूर करने वाला नहीं, इन बुरे हालात में कोई हमारी मदद करने वाला नहीं। परवरदिगार आलम तेरे दर पर आए हैं, बड़ी आस और उम्मीदों के साथ आए हैं। हमें यकीन है कि आप हम पर रहम फरमाएंगे, आप हम पर करम फरमाएंगे, आप अपना वादा पूरा फरमाएंगे कि मुझसे मांगो मैं तुम्हारी मुरादें पूरी करूंगा, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। परवरदिगार आलम हमारे बस में यही था जो हमने किया, अपने घर से निकले, आज इसी मुस्कुरात के साथ निकले, तौबा और इस्तिगफार करते हुए आए आज इस मैदान में। ऐ अल्लाह, तेरे नबी का तरीका इख्तियार करके आज तेरे सामने हाथ फैला करके अपने दामन को पसार करके, ऐ अल्लाह अपने बस में जो था हमने किया, ऐ अल्लाह अपना फजल फरमा दे, ऐ अल्लाह अपना फजल फरमा दे, ऐ अल्लाह अपना करम फरमा दे। हम जहां तक आ सकते थे हम आए, हम जो कुछ कर सकते थे हमने किया। परवरदिगार आलम अब आपकी बारी है, ऐ अल्लाह अब आपकी बारी है। ऐ अल्लाह, इतना बड़ा मजमा किसी सखी के दरवाजे पर जाकर पैसे दो पैसे की भीख मांगे तो वो वापस नहीं करेगा। तेरे खजाने तो लामहदूद है, तू देते नहीं थकता, लोग लेते थक जाएंगे। परवरदिगार आलम तेरे खजाने में किस चीज की कमी है? ऐ अल्लाह, आज तीसरा दिन है, पहले दिन भी हमने मांगा, दूसरे दिन भी हमने मांगा। ऐ अल्लाह, आज तीसरा दिन है, अपने दर से हमने नाकाम महरूम और खाइब व हाजिर मत लौटा। परवरदिगार आलम हमारे फैले हुए हाथों की लाज रख ले, मांगी हुई मुरादें अता कर दे। परवरदिगार आलम बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे। ऐ अल्लाह, जमीन जल थल फरमा दे, नदी नालों को भर दे, पानी के ज़खीरों को पूर कर दे। जमीन से ऐ अल्लाह अपना रिज़्क अता फरमा दे, आसमान से अपनी बरकतें नाजिल फरमा दे। परवरदिगार आलम आज मांगने का मौका है, हाथ फैलाए हुए हैं। ऐ अल्लाह, हमारी मगफिरत फरमा, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा, हमारे भाई बहनों की मगफिरत फरमा। इतना बड़ा मजमा परवरदिगार आलम ऐ अल्लाह तेरे बारगाह में मगफिरत की भीख मांगता है। ऐ अल्लाह, मगफिरत का सवाल करता है। ऐ अल्लाह, हमें माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमें बख्श दे, अपनी मगफिरत का परवाना अता कर दे, अपने नेक बंदों में शामिल फरमा ले। सारी जिंदगी जो गुनाह हमने किए हैं, ऐ अल्लाह हम सच्ची पक्की तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह, हमारी तौबा कबूल फरमा ले, हमारी हमें तौबा पर इस्तेकामत अता फरमा दे, नेकियों के करने पर अपनी मदद शामिल हाल फरमा, गुनाहों से बचने पर अपनी मदद अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा, जिनका हम पर बेशुमार एहसान है, जिन्होंने हमें खिलाया पिलाया हमें लिबास पहनाया। परवरदिगार आलम मुंह का निवाला हमें दिया, हमारी बीमारियों में हमारे बचपन में हम पर रहम फरमाया, रात रात भर हमारी तीमारदारी की। परवरदिगार आलम अपने माँ बाप का हम हक अदा नहीं कर सके। परवरदिगार आलम इस कोताही को माफ फरमा दे। आपने खुद हुक्म दिया कि अपने माँ बाप के लिए इन अल्फाज में दुआ करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, आपने दुआ करने का हुक्म दिया है। ऐ
हमें पाला पोसा, हम पर मेहरबानी की रहम फरमाया, आज वो तेरी जवार रहमत में जा चुके हैं। ए अल्लाह अपने रहमतों में उन्हें शराबोर कर दे, अपनी रहमतों से माला माल फरमा दे, अपने कुर्ब खास में जगह आता फरमा दे, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे, जहन्नम का कड़ा ना बना। परवरदिगार आलम उन्हें बरज़ख में राहत वाली जिंदगी अता फरमा, अपनी रहमतों वाली, अपनी उल्फतों और मेहरबानियों वाली जिंदगी अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे असातिज़ा की, हमारे मशाइख की, हमारे मुतालिकीन की, दोस्त अहबाब की, हमारे मुहसिनीन की, ऐ अल्लाह मग़फ़िरत फरमा, दुनिया और आखिरत में इज्जत और सरफराजी अता फरमा, उम्मत के बीमारों को सेहत और शिफा अता फरमा। न जाने कैसी कैसी बीमारियों में लोग मुब्तला है, ऐ अल्लाह महीनों और बरसों से ऐ अल्लाह बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रहे हैं, ऐ अल्लाह तेरी तरफ नजर उठा करके देख रहे हैं, ऐ अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अता फरमा दे, सेहत मुस्तमिर्रा दायमा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो बेरोजगार है उन्हें जायज और हलाल रोजी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जो बेघर है उनको घर अता फरमा, ऐ अल्लाह जिनके बच्चे बच्चियां बेनिकाही जिंदगी गुजार रहे हैं उन्हें अच्छा रिश्ता अता फरमा, उन्हें शाद और आबाद फरमा, उनकी गोद में अपने दीन के दाई दीन के सिपाही पैदा फरमा। परवरदिगार आलम जो बे औलाद है उन्हें नेक और फरमा बरदार औलाद अता फरमा। परवरदिगार आलम जो बेघर है उन्हें घर अता फरमा, अल्लाह जो मकरूज है उनके कर्जों की अदायगी का गैब से इंतजाम फरमा। परवरदिगार आलम जब तक जिंदगी दे अपनी मर्जियात और अपने नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, नेकियों का करना हमारे लिए आसान फरमा, गुनाहों से बचना हमारे लिए आसान फरमा। परवरदिगार आलम ईमान और इस्लाम पर जिंदगी अता फरमा, ईमान पर खात्मा अता फरमा, अजाब कब्र से हमारी हिफाजत फरमा, मुनकर नकीर के सवाल जवाब को आसान फरमा, मैदान महशर में दस्तगीरी फरमा, अपनी नजर रहमत का मुस्तहिक बना, अपने अर्श का साया अता फरमा, अपने महबूब नबी की जियारत और आपकी शफात अता फरमा, आपके हाथों जामे कौसर पीना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का दाखला अता फरमा। परवरदिगार आलम गुनहगार है नाफरमान है लेकिन फिर भी तेरे नाम लेवा और तेरे नबी की उम्मती, तेरे महबूब नबी की उम्मती। परवरदिगार आलम तेरे महबूब नबी ने हमें हुक्म दिया कि जब अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मांगे ये हमारा मोह नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई अमल नहीं है जिसपे भरोसा कर सके या तेरी बारगाह में पेश कर सके। परवरदिगार आलम तू करीब है, अल्लाह तू आता करने के लिए, अल्लाह आता करने के लिए बहाने ढूंढता है। अल्लाह हमारा मांगना इसे बहाना बना ले और हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जन्नत में अपने महबूब नबी की जियारत अता फरमा, अपने महबूब नबी का कुर्ब और पड़ोस अता फरमा, जन्नत में अपना दीदार अता फरमा, जन्नत में परवरदिगार आलम अपनी रजा अता फरमा। परवरदिगार आलम जो कुछ मांगा है अपनी हाजत अपनी जरूरत समझ करके मांगा है, तेरे नेक बंदों ने आज तक जितनी खैर मांगी है उनमें हमें हिस्सा अता फरमा। जिन जिन शुरू आफात से पना चाहिए ऐ अल्लाह हमें पना अता फरमा। ऐ अल्लाह अपने महबूब नबी को मकामे महमूद अता फरमा, अपने महबूब नबी को मकामे महमूद अता फरमा जिसका आपने वादा कर रखा है। परवरदिगार आलम हम नाफरमानों की तरफ से, ऐ अल्लाह हम गुनहगारों की तरफ से, ऐ अल्लाह अपने महबूब नबी को बेहतरीन जजाए खैर अता फरमा, हमें बख्श दे और उन लोगों में शामिल फरमा जो बख्शे बख्शाए होते हैं। परवरदिगार आलम आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। परवरदिगार आलम जो मांगा है अता फरमा दे, जो ना मांग सके हमारी दुनिया और आखिरत की हाजत और जरूरत है परवरदिगार आलम अपने फजल व करम से अता फरमा दे, हर खैर से हमें
हिफाजत फरमा, जिंदगी के हर शोबे में आफियत अता फरमा, परवरदिगार आलम मखलूक की मोहताजगी से नजात अता फरमा, अपने खजाने गैब से ताल्लुक अता फरमा, परवरदिगार आलम हमारी हाजत रवाई फरमा, अल्लाह हमारी जरूरतों का तकफुल फरमा, परवरदिगार आलम करने वाली जात आपकी है, आपके ही करने से सब कुछ होता है, अल्लाह हम आपकी वहदानियत पर, आपकी उलूहियत पर, आपकी रुबूबियत पर, आपके नबियों पर ईमान रखते हैं, परवरदिगार आलम अच्छी बुरी तकदीर पर हमारा ईमान है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर हमारा ईमान है, अल्लाह आखिरत के दिन पर हमारा ईमान है, परवरदिगार आलम इसी ईमान पर हमें हमेशा साबित कदम रखना, और मौत के वक्त जब तेरी जवार रहमत में जाने का वक्त हो तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलिमात जुबान पर हो और दिल आस और उम्मीद से भरा हुआ हो, परवरदिगार आलम अपने फजल से अपने करम से हमें शानदार जिंदगी अता फरमा और काबिले रश्क मौत अता फरमा, नेक और मुत्तकी और परहेजगार लोगों के साथ हमें हमारा हश्र फरमा, परवरदिगार आलम ये इतना बड़ा मजमा अपनी हाजतें अपनी जरूरतें लेकर आया है, ऐ अल्लाह सबके मसाइल हैं, सबकी हाजतें और जरूरतें हैं, ऐ अल्लाह तू सब कुछ जानता है, बगैर कहे दिल के भेदों को, दिल के राजों को और दिल में पनपने वाले और उठने वाले वसवसों तक से आप वाकिफ है, ऐ अल्लाह हमारी सारी जरूरतों से आप वाकिफ है, ऐ अल्लाह सबकी जरूरतें आफियत और सहूलत के साथ पूरी फरमा दे, ऐ अल्लाह सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयां और खैर अता फरमा दे, ऐ अल्लाह सबकी जान में, माल में, दीन और ईमान में, इज्जत और आबरू में बरकतें अता फरमा, परवरदिगार आलम अपनी ذات عالی کا اپنی صفات عالیہ کا یقین عطا فرما, परवरदिगार आलम अपने फजल करम से अपने हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से हमारी दुआओं को कबूल फरमा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ ग्रास कारपेट पायदान होलसेल रेट में दिया जाता है, हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार पानी की टाँकी के पास।